यस हियर सी इज प्लेइंग ए माइनर रोल, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, उसको छुपा के ओ को बड़ा कर दिया. एंड ये आपको क्या देगा, 3 फॉस्फोग्लिसराइड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ओके, प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है. अंडरस्टूड? सो अब ये हमारा प्रोडक्ट है. तो अगर आपको ध्यान है, सो दिस इज आवर न्यू टेंशन. तो न्यू टेंशन क्या है, दैट आपका जो दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है. तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओके, द प्रॉब्लम इज इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA वी आर गेटिंग ओनली 1. सो इफ अर्लियर 6 साइकल्स हेल्प इन द, ओके, सो इफ अर्लियर 6 साइकल्स ऑफ C3 साइकल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ क्या, ग्लूकोज, नाउ इमीडिएटली 12 साइकल्स विल बी नीडेड पर ग्लूकोज. सो एक्सपेंडिचर क्या होगा, डबल्स. कोई शक, क्योंकि पहले हम लोग का 6 साइकिल में काम चल जा रहा था, ओके. यस सर. कोई पूछो. नहीं सर, समझ में आया सर. 3 PGA को कनेक्टेड 6 साइकल्स कर रहे थे. क्या बोल रहा था, सो 6 साइकल्स 1 PGA करने के लिए या 3 PGA करने के लिए थे? आप बावरे हो गए हो, हमें 6 साइकिल ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए, PGA बनाने के लिए नहीं. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, पहले अगर ये CO2 होता तो 3+3=6, 5+1=6 होता, तो 2×3 होता ना ये. यस सर. तो बट अभी क्या हो रहा है, ये तो O2 है, तो इसलिए जो 5 होगा, तो 5-3=2, तो हमें 2 फॉस्फोग्लिसराइड मिलना चाहिए था. अब 1 फॉस्फोग्लिसराइड एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है. तो अब वो जनरेशन ऑफ स्टार्च के लिए कौन आगे जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लाइकोलेट थोड़ी जाएगा. तो इसीलिए अब हमें, अगर आपको ध्यान है, कल जो हमने साइकिल किया था, सपोज 6 साइकिल में हमारे पास 36, 6 साइकिल में क्या होता है, 36 × 5=30 + 6 × CO = 36, तो 36 क्या होता, कार्बन होता. तो 36 कार्बन विल मेक 12 PGA, है कि नहीं. इस 12 PGA में 2 PGA चला जाएगा क्या, ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक है जी. एंड 10 PGA, तो 10×3 कितना होता है, बोलो, 30 कार्बन, ओके. ये कन्वर्ट होगा इनटू कितना, RUBP, RUBP इज 5 कार्बन, तो 5×6,
तो ये 6 RUBP बनाएगा, कोई शक? तो ये हो जाएगा 30 कार्बन, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें ये पहला का स्टोरी है, दिस इज द पहला का स्टोरी, माने जो नॉर्मल C3 साइकिल है. सो दिस इज नॉर्मल C3 साइकिल, ठीक है? तो 36 कार्बन आता है तो 12 PGA बनता है. इस 12 PGA में 2 चले जाते हैं ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए, तो दिस इज 6 कार्बन, एंड 30 चले जाते हैं RUBP को रिजेनरेट करने के लिए, तो आपका 6 RUBP रिजेनरेट करता है और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है. बट अब आपको 10+2 PGA, भाई देखो, अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो 10+2 PGA चाहिए, 12 PGA. अब यहां पर साइकिल कितना आ रहा है? 1 PGA. तो हाउ मेनी साइकिल्स यू हैव टू रन? 12 साइकिल्स. फिर आपको कोई बोलेगा कि फॉस्फोग्लाइकोलेट अच्छी, हमें ताकू यूज करीबा. तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में आल्सो सर्व द पर्पस, ओके, बट इट इज जस्ट लाइक कि मरता मांग रहा है ऑक्सीजन और हम बोल रहे हैं अभी प्लांट लगा रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, मिल जाएगा 1-2 हफ्ते. तो कैन द डेड मैन वेट फॉर 1-2 वीक फॉर ऑक्सीजन? नो सर. तो व्हेन डज ही नीड ऑक्सीजन? राइट नाउ. आपको अभी चाहिए, 10 दिन बाद नहीं, ओके? यस. तो अगर 10 दिन बाद आएगा तो तुम्हारे किसी मतलब का नहीं है ना. तो इसीलिए जनरली हमें ग्लूकोज बनाना है. आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक फूड, ग्लूकोज, सुक्रोज, व्हाट एवर. तो अब हमारा C3 साइकिल में क्या होता था, ओके, 2 PGA मिलता था पर साइकिल, बट इधर क्या हो रहा है, 1 PGA मिल रहा है, एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट अलग पाथवे में चला गया है. उसको कौन सा पाथवे कहते हैं? C2 साइकिल, ओके. तो ये जो C2 साइकिल है ये एक फेरा है, एंड फिर ये C2 साइकिल से हमें 3 PGA मिलेगा, ओके, वी विल गेट 3 PGA, एंड वी कैन यूज इट फॉर व्हाट? वी कैन यूज इट फॉर ग्लूकोज. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी मे नॉट हैव दिस मच टाइम एंड एनर्जी. तो इसीलिए ग्लूकोज दो, तो क्या किया जाएगा, और एक साइकिल चला लो, समझ रहे हो? तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 2 PGA नाउ वी आर यूजिंग हाउ मेनी साइकल्स? 2 साइकल्स इंस्टेड ऑफ 1 per carbon, समझ रहे हो? तो समझ आया? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए आपका लॉस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. बल्ले बल्ले. तो ये हम डिस्कस करेंगे. नाउ उधर पड़ोस में सत्य सार्थक हंस रहा है. आत्मा मोटू कालवा, सब ठीक बना? तो हंसे जा रहा है सत्य सार्थक. क्यों सत्य सार्थक हंस रहा है? तो सत्य सार्थक इज C4 प्लांट. तो सत्य सार्थक जो है वो एक C4 प्लांट है. तो क्या उसे, तो मैं क्या करूं, C4 और C3 अचार डालो? तो C4 प्लांट्स ने क्या किया, एक बढ़िया सा मजाक किया. उन्होंने एक स्पेशल एनाटॉमी डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी.
सो इस एनाटॉमी को हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। फाइन, सो उसने उसमें क्या किया है, तो जो सुपरफिशियल सेल्स है, ओके, दे आर कॉल्ड व्हाट, मेसोफिल सेल्स, एंड जो नीचे उसके सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स। तो उन्होंने क्या किया, जो रूबिस्को है उस रूबिस्को को नीचे भगा दिया। ओके, सो दे हैव शिफ्टेड रूबिस्को टू द बंडल शीट एंड इंस्टेड दे हैव अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड पेप्टेज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नाउ तो आप बोलोगे सर दूर, अब एक लड़की को छोड़ के आप एक और लड़की से शादी कर लिए, डिफरेंस क्या है, लड़की ही तो मिली ना, समझे कि नहीं। रूपीस को भी कार्बोक्सिलेज था, पेपकेज भी कार्बोक्सिलेज है, तो भाई क्या झंडे गाड़ दिए, इतना खुश काय हो रहे हो, बता सकते हैं वाई सत्य इज लाफिंग। भाई दोनों तो कार्बोक्सिलेज है, तो इसलिए उसका क्या खासियत क्या है बताइए। बिकॉज यही चीज है अंडरस्टैंडिंग का, अगर आप समझोगे नहीं ना तो ऐसे ही लगेगा। क्या पूछे फिर से? क्वेश्चन है पेप्टेज एंड रूबिस्को बोथ आर कार्बोक्सिलेज, तो आप रूबिस्को को भगा के पेप्टेज ले आए, कुछ ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। यस, उसका कारण है पेप्टेज जो है इट हैज नो ऑक्सीजनेस एफिनिटी एक्टिविटी, सो नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो समझ रहे हो, तो उसका ऑक्सीजन से कोई वास्ता ही नहीं है, ऑक्सीजन कौन है उसे पता भी नहीं है। बट जेहेतु रूबिस्को का दोनों एफिनिटी है, उसे कार्बोक्सिलेज भी चाहिए एंड उसे ऑक्सीजनेज, मैंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी पसंद है एंड उसको ऑक्सीजन भी पसंद है। ओके, यस सर। तो क्या है, उसीलिए रूबिस्को का टेंशन है, क्योंकि अब पेप्टेज में क्या हो रहा है, तो इसीलिए, तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमने जो स्टोमाटा है उसको पार्शियली ओपन रखा है। ओके, द स्टोमाटा इज पार्शियली ओपन, नॉट वाइडली ओपन, समझ रहे हो, उसको हमने पार्शियली ओपन रखा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा CO2 अंदर आ रहा है। फाइन, सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज कमिंग। तो आप बोलोगे सर CO2 जब आ रहा था तो रूबिस्को को क्या टेंशन था, तो रूबिस्को को ये टेंशन था कि CO2 कम आ रहा है बट ऑक्सीजन ज्यादा जा नहीं रहा है, इसीलिए अंदर क्या है, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स घट रहा था। बट ओके, तो इसीलिए रूबिस्को ने किसको चुन लिया, बोलो। सो आद्या वॉज इन लव विद अ बॉय, शी वॉज जस्ट गोइंग टू मैरी हर, बट सडनली शी गॉट अ रिलेट न्यू प्रपोजल ऑफ अ बिल गेट्स सन, तो ऑब्वियसली व्हाट आद्या विल डू, शी विल फॉरगेट लव थम एंड गो फॉर बिल गेट्स सन। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आद्या सिर्फ प्यार की भूखी नहीं है,
उसे माल भी चाहिए, समझ रहे हो? जैसे रुबिस्को को दोनों चाहिए, जो ज्यादा मिले, बट पेपकेस जो है वो सिर्फ प्यार का भूखा है या माल का भूखा है, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए नाउ व्हाट पेपकेस डज, इट कॉन्सेंट्रेट CO2 एंड देन वो CO2 को कॉन्सेंट्रेट करेगा, ओके? सो दैट इज अनदर पाथवे, दैट इज कॉल्ड C4 साइकिल। एंड व्हाट दे विल डू, तो CO2 विल बी गिवन टू द C4 साइकिल एंड C4 साइकिल विल गिव CO2 टू रुबिस्को, ठीक है? तो इसीलिए व्हाट इज द जॉब ऑफ पेपकेज एंड C4 साइकिल, टू कॉन्सेंट्रेट CO2 इन द बंडलशीट सेल्स। तो ये उसका काम है, उसका काम है कि CO2 को लेकर बंडल शीट को पहुंचाओ। तो इसलिए बंडल शीट में क्या हो रहा है, CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए उसका कौन सा एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, कार्बोक्सीलेस, समझ रहे हो? तो ये नाउ डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो इसीलिए दिस पाथवे is called C4 pathway, ठीक है जी? Now, तो यहाँ एक प्लांट है उसी जगह पर C3 प्लांट एंड यहाँ पर एक प्लांट है C4 प्लांट। ना इसका कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसको ग्लूकोज बनाने के लिए फॉर ग्लूकोज हाउ मेनी C3 साइकल्स रिक्वायर्ड? बोलिए, तो इसको कितना C3 साइकल्स चाहिए? 6 नो, सोचो। हाँ सॉरी, यहाँ 6 साइकल्स चाहिए, ओके, बट यहाँ कितना चाहिए, इधर इस प्लांट को 12 12 साइकल्स, अदरवाइज वेट, ओके, अदरवाइज वेट कि कब बैगन उगेगा और कब हम सब्जी बनाएंगे और खाएंगे, समझ में आया कि नहीं? आप फोटो रेस्पिरेशन के लिए वेट करो, वेट फॉर C2 प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप समझ में आया? तो इसीलिए हु विल सर्वाइव बेटर in such conditions, C4 plants, समझ में आया? So this is the natural advantage. इसलिए अगर कोई कल आपको पूछे, देखो जब जजेस से नहीं पढ़ते हो ना तो आंसर कितना बकवास होता है। देखो सपोज मैं आपको पूछूं कि भाई अमेरिका में कौन क्यों खाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर उगता ज्यादा है इसलिए खाते हैं, एंड यू आर नॉट रॉन्ग भाई। अमेरिका में कॉर्न इज ग्रोइंग मोर देन वीट एंड राइस, सो दे आर ईटिंग कॉर्न। बट जेजेस का स्टूडेंट क्या बोलेगा कि सर इन दोज कंडीशंस ऑफ इन दोज ट्रॉपिकल कंडीशंस वेयर टेम्परेचर इज हॉट एंड ड्राई, एनवायरमेंट इज हॉट एंड ड्राई, वहां C4 प्लांट्स हैव अ नेचुरल एडवांटेज, सो दैट इज व्हाई कॉर्न परफॉर्म्स बेटर then what, rice and wheat, other crops, so that is why they are what, produced more. ab agar aap kisan ho to aap corn lagaoge na rice lagaoge, bataiye? america mein, america mein honge to corn lagaenge, corn lagayenge, that is the case. samajh aaya? uske pados mein ek aur plant, they are called cam plants. तो cam plants में कौन सा साइकिल चलता है? Crassulation, acid metabolism. तो अब उनमें बिचारों में क्या है ना, they could not change their anatomy. तो समझ रहे हो? तो in case of cam plants, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए cam plants ने क्या किया,
नो क्रैंस एनाटोमी, तो इसमें कोई एनाटोमी में चेंज वो नहीं कर पाए. सो देन हाउ टू सर्वाइव, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दे सो नाउ दे शिफ्टेड. ओके, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, दे शिफ्टेड रेस्पिरेशन टू द डे टाइम एंड फोटोसिंथेसिस इन द नाइट टाइम. समझ रहे हो, उन्होंने समय बदल दिया, अंडरस्टैंड, सो दे चेंज द टाइम. ठीक है जी, सो दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, सो यही चीज हम देखेंगे इन अनदर वेरी गुड डायग्राम. ओके, सो नॉट दिस वन. I don't think camp plants is given in your book. So ये आपका है. So this is your cycles. Now चलिए अब हम लोग C2 cycle देख लेते हैं actually. तो आपका देखो ये है C2 cycle. तो C2 cycle या glyoxylate cycle जिसको हम लोग कहते हैं. So यहाँ क्या है, all the three relatives are involved. Chloroplast, mitochondria and peroxisome. All are what? Similar structures. All are semi-autonomous structures. जब मैं सेल पढ़ा रहा था आपको मैंने बताया था कि ये तीनों ही semi-autonomous structure है, but problem क्या है, peroxisome अपना membrane and DNA PNA during evolution खो दिया. So, अब व्हाट इज हैपनिंग इन C4 प्लांट्स देखिए, तो जब आपका फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख रहे हो, तो ऑक्सीजन आया तो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट इज शिफ्टेड टू पेरोक्सीजोम जहां वो ग्लायोक्सिलेट बनता है. ओके, इन ये एक लंबा सा प्रोसेस है, हम पढ़ेंगे. तो ग्लायोक्सिलेट बनेगा, फिर वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड बनता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा. In mitochondria, glycine is producing NADH and becoming serine amino acid. And ये serine amino acid वापिस peroxisome में आता है and it is using NADH and producing glycerate. And ये glycerate आपके body में आता है, अरे chloroplast में, एंड एटीपी कंज्यूम करता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन. तो देख रहे हो, तो अगर भी हम घूम फिर के आए, अगर भी हम टाइम यूज करें, तो हमारा सीत जो ग्लायोक्सिलेट से 3PGA कन्वर्जन इज 1 ATP कंज्यूमिंग. समझ आया, तो वो आपका एक एटीपी कंज्यूम कर रहा है. सो इसीलिए वहां आपको फ्री में मिल रहा था, यहाँ आपका एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है. ओके, एंड फिर ये आगे जा रहा है. ठीक है, बट सो दिस इज द, तो देख रहे हो, तो इसीलिए जो आपका 3-phosphoglycerate मिला उसके लिए एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हुआ. अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका डिटेल समझाऊंगा कि माने सुनो, तो अगर हम लोग जनरली साइकिल देखें, तो इन दिस साइकिल तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या था, नॉर्मल C3, नॉर्मल C3 में हमारा क्या होता है, सिक्स साइकल्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज. ओके, तो 6 cycles प्रोड्यूसेस ग्लूकोज. तो एक्सपेंडिचर क्या है, सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, बोलिए, 18 ATP प्लस
12 NADPH है कि नहीं? ये आया है कि नहीं? Is it right or wrong? Yes. It is correct. But अब जब हमारा abnormal situation है तो abnormal C3 में क्या हो रहा है? 12 cycles. खर्चा होगा 12 cycles and this will produce glucose. So what is expenditure? बोलिए into 3. 36. So 36 ATP plus 12 क्या 18 है कि नहीं? 24 NADPH. बले बले. बट अगर हम लोग नॉर्मल ओके नॉर्मल सी थ्री लें प्लस C2 लें तो आपका कितना साइकिल में ग्लूकोज होगा? बोलिए 6 साइकल्स. तो आपका 6 साइकल्स में ग्लूकोज बन जाएगा. कहा चला गया? सो नॉर्मल दिस इज 6 6 इंटू 6 इंटू नॉर्मल C3 प्लस C2 ओके दोनों 6-6 बार चलाना पड़ेगा एंड इससे प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज. तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? सुनिए, नो माय डियर, डोंट बी एंग्री. तो 6 साइकल्स में हमारा कितना खर्चा होगा? आपका जो ये जो खर्चा है मींस जो नॉर्मली क्या होगा, यहां से पीजी आ रहा है प्लस यहां से भी पीजी आएगा तो खर्चा सेम होगा 18 ATP प्लस 12 NADPH. बट यहां और एक एक्स्ट्रा एटीपी खर्च होगा प्लस 6 ATP ओके इन C2 साइकिल. समझे कि नहीं? यस सर. भाई देखो यहां से भी तो पीजीए मिलेगा ना, तो पीजीए फिर एनएडीएच खाएगा और एटीपी खाएगा, वो तो है ही है. तो इसीलिए 6 प्लस 6 प्लस 6 इधर से भी 6 आ रहा है, इधर से भी 6 आ रहा है, तो इसलिए ये तो 18 ठीक ही है. ओके सो दिस इज आपका 18 ATPs. जैसे वहां खर्च हो रहा था 2 प्लस 1 तो वहां 18 ATP खर्च होगा एंड 12 NADPH खर्च होगा. ठीक है जी. बट ये जो 6 ATP खर्च हुआ ये क्यों खर्च हुआ? ये C2 का एक्सपेंडिचर है. NADPH बनता है, यूज हो जाता है तो उसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं. तो इसीलिए तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस इज एक तो आपका एक्स्ट्रा 6 ATP कंज्यूम हो रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए प्लस टाइम. ठीक है, क्योंकि वो बन के आएगा ओके सो इसीलिए प्लस टाइम. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. सर C3 में एक डाउट था. हाँ बोलो. सर जो पर साइकिल 2 NADPH यूज होता है सर, एक तो 1,3-bisphosphoglyceric एसिड से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में यूज होता है और एक का यूज होता है. कौन सा? सर NADPH. वो तो आपको C3 में याद होना चाहिए ना. तो दोनों हाइड्रोजन रिएक्शन में दोनों जगह खर्चा होगा, समझ रहे हो? तो वो आपका C3 साइकिल में देखोगे तो उसको देख सकते. ये हमारा कहाँ गया? ये है C3. ये देखो तो C3 कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा. तो एक यहाँ ओके एंड यहाँ 6, तो इसलिए यहाँ 12 होगा, तो यहाँ 12 होगा.
समझ रहे हो कि नहीं? आपका जो छह साइकिल होगा, इफ दिस इज सिक्स तो ये 12 हो जाएगा ना, बुझ रहे हो कि नहीं अर्पित? अगर वन सीओ टू माने वन साइकिल, तो थ्री सीओ टू माने थ्री साइकिल, माने सिक्स सीओ टू माने सिक्स साइकिल, तो सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स आर यू बी पी विल बिकम 12 थ्री पी जी ए। कोई शक अर्पित? अब समझ में आया? तो एक्चुअली वो 12 पी जी ए बनाएगा, ओके, नॉट सिक्स। तो इसीलिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो जो आपका सिक्स साइकल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो सिक्स साइकल्स में आपका 12 पीजीए बनता है, ठीक है? बट इधर क्या हो रहा है, 12 साइकल्स में 12 पीजीए बन रहा है, ओके? सो दैट इज द क्वेश्चन। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल सी3 साइकल्स। हाँ, एक एक गड़बड़ है इधर, एक्चुअली इज राइट। इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये जो 12 साइकिल में हमारा एटीपी तो करेंट कंज्यूम हो रहा है, ओके, बिकॉज हमारा नहीं, वो भी ठीक है यार, बिकॉज पीजीए तो आएगा ही आएगा ना, पीजीए यहाँ से आ रहा है, ओके, बिकॉज हमें हियर वी हैव टू रन, एक्सक्यूज मी, इधर एक गड़बड़ है, नहीं इधर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहां से एबनॉर्मल सी3 साइकिल में हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, एक पीजीए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी? तो वन पीजीए विल बी प्रोड्यूस पर साइकिल, तो इसलिए एनर्जी एक्सपेंसेस सेम, तो समझ रहे हो? क्योंकि यहां 12 आएंगे, 12 तो 12 प्लस 6 18 होगा, ठीक है? सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नहीं नहीं, ये जो एबनॉर्मल सी3 साइकल्स है, इसमें भी आपका जो कंसेप्ट है वो ठीक लग रहा है, क्योंकि सी3 साइकिल एबनॉर्मल सी3 में क्या होगा, एक सी2 बन जाएगा ना, तो जब एक सी2 बन जाएगा, इसके लिए ग्लूकोज और एटीपी कंज्यूम नहीं होगा, तो इसीलिए दिस विल रिमेन 18 एंड दिस विल रिमेन 12, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो पीजीए बनेगा वो तो हम यहाँ हिसाब कर रहे हैं ना, सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग देम, बट इधर क्या हो रहा है, इधर आपका पर साइकिल एक पीजीए आएगा, ठीक है? तो एक पीजीए में को कितना लगता है, वन पीजीए विल कंज्यूम 2 ATP प्लस 1 NADPH, ठीक है? तो इस तरह से, तो इसीलिए दिस इज द केस। तो इसलिए एनर्जी का कोई खास लॉस नहीं, बट टाइम का बहुत ज्यादा लॉस है, सबस्ट्रेट का बहुत ज्यादा लॉस है, बिकॉज यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी, ठीक है? बिकॉज दिस टाइम टेकन विल बी मोर एंड आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट। बिकॉज ये अगर आपको ध्यान होगा, मैं लिख देता हूं, तो हम लोग का क्या था, ये है सपोज CO2 6 CO2 प्लस आपका 6 RUBP, सो दिस वाज प्रोड्यूसिंग व्हाट, 12 PGA, तो इसीलिए हमें चाहिए 12 ATP एंड हमें चाहिए 12 NADPH, ठीक है? एंड तो ये आगे जाएंगे, फिर इस 12 में से 2 चला जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए एंड 10 चले जाएंगे किधर, आपका RUBP बनाने के लिए। तो ये 10 बनाएंगे कितना RUBP, 6 RUBP, तो जब 6 RUBP बनाएंगे तो हमें 6 ATP चाहिए। सो ये नॉर्मल साइकिल है, बट एबनॉर्मल साइकिल में क्या हो रहा है, देयर इज नो CO2, तो ओनली 6 RUBP है, तो ये टूट कर क्या बन रहा है, तो दिस विल मेक 6 PGA प्लस 6 फॉस्फोग्लाइकोलेट, अंडरस्टूड? तो अब हमें ग्लूकोज बनाने के लिए इसको 12 करना पड़ेगा, तो इसको 12 करना पड़ेगा, तो इसको 12 करना पड़ेगा। अब हमारे पास 12 PGA है,
तो कितना एटीपी खाएगा 12 एंड कितना एनएडीपीएच खाएगा 12 ठीक है एंड ये नीचे आएगा एंड इसमें से ये जो 12 एटीपी है इसमें क्या 12 पीजीए है वो 2 चला जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए 10 चला जाएगा आपका इधर तो ये 6 हो जाएगा आपका इधर 6 खाएगा तो इसलिए नेट कंजम्पशन इज सेम बट ये जो 12 पीजीए है दिस 12 फॉस्फोग्लाइकोलेट ये आपका क्या करेंगे इस पे 12 एटीपी खर्चा होगा तब आपका मिलेगा क्या यू विल गेट बैक 12 फॉस्फोग्लिसराइड ठीक है सो इसीलिए यू विल गेट फॉस्फोग्लिसराइड सॉरी हमें तो 6 साइकिल चाहिए ये तो हमारा अबनॉर्मल केस था पर नॉर्मल में हमारा 6 पीजी बनता है तो हमारा ये 6 फॉस्फोग्लाइकोलेट है हमें 6 एटीपी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो हमारा 6 पीजीए मिल गया तो हमारा 6 पीजीए प्लस इधर मिला था 6 पीजीए दोनों मिला के 12 पीजीए हो जाएगा हमारा काम चल जाएगा तो एक ग्लूकोज बन जाएगा बट टाइम का लॉस एंड दूसरा 6 एटीपी पर ग्लूकोज का लॉस सो दिस इज फोटोरेस्पिरेशन